Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Six for Truth. Always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके जिंदगी में कौन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, हु इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ टू प्रूव दैट ही और शी इज द ग्रेट कंपेनियन ऑफ योर्स. कौन आपके जिंदगी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपके सबसे ज्यादा करीब होंगे और सबसे बेस्ट साथी बन के दिखाएंगे. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस. टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके, वी डू हैव द टेन ऑफ पेंटेकल्स. ठीक है, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन. वी डू हैव किंग ऑफ वैंड्स. ऑलराइट, फोर ऑफ वैंड्स तो साबित हो ही गया है ना. द बेस्ट कंपेनियन एवर, जस्टिस, यस. नाइट ऑफ कॉइंस, ओ सिक्स ऑफ वैंड्स. ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फाइव ऑफ कॉइन्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स. अच्छा, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, बेस्ट. ओके, इसलिए तो मुझे इस तरह से लग रहा था कि ये किंग ऑफ वैंड्स क्यों आया. ठीक है, हम दूसरे से भी देख लेते हैं फॉर द ऑफ कोर्स डबल वेरिफिकेशन कि ये इंसान है आखिर कौन. यूनिवर्स प्लीज गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स की जिंदगी में कौन आते हुए दिखाई दे रहे हैं एज वन ऑफ द बेस्ट कंपेनियंस एवर. यूनिवर्स पर गाइड, प्लीज गाइड करें. वी डू हैव द एंड्यूरर, वी डू हैव द वर्ल्ड ऑफ लाइट. ओके, we do have the lord of wisdom. yahan pe hai 10 of shields. okay, we do have the 7 of shields. okay, 8 of shields, 7 8 10 of shields. okay, the last judgment. ट्वेंटी ट्वेंटी नंबर आप देख सकते हैं, 20 02, 12 21 आप अक्सर देख सकते हैं. ओके, 7 8 10 4, 10 10 भी, 10 10, 21 12 12 12. ओके, अक्सर आप देख सकते हैं, 11 11 4. अच्छा, ये इंसान कौन होंगे बेसिकली. आई डू फाइंड लाइक दैट कि अगर आप मैन के हिसाब से देखो तो काफ़ी हट्टे कट्टे मुझे दिख रहा है. बॉडी वाइज दे आर वेरी मच स्ट्रांग, एंड नॉट ओनली दे आर स्ट्रांग फिजिकली, दे आर ऑल्सो स्ट्रांग मेंटली. यहाँ पे इनकी इमोशंस को अगर हम साइड पे रखें, सो इनके जो विल पावर है किसी चीज़ को एक चैलेंज के तौर पर लेना, मैस्कुलिन टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है. कहीं ना कहीं पे दे आर मोटिवेशन इज मोर टूअर्ड्स देयर करियर. ठीक है, यहाँ पे ये स्ट्रांग कोई यू कैन से लाइक यू कैन बी लाइक अ वेरी स्ट्रांग जज, कि जहाँ पे इनसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट जज शायद आपने देखा भी नहीं है. या इनके पिताजी हो सकते हैं काफ़ी बहुत बड़े रिपोर्टेड जज है या लॉयर है, या ऐसा हो सकता है कि ये इन बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफिसर्स है जहाँ पे इनको सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि वो एज अ कलेक्टर, कलेक्टर का जॉब भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, टैक्सेशन रिलेटेड हो सकता है कुछ लोगों के लिए. ये इंसान के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं जहाँ से ये रेंट कलेक्ट करते हो. आई डू फाइंड लाइक दैट ये इंसान कोई प्लेटफॉर्म में भी लोगों को ट्रेनिंग देते हैं. बहुत बड़ा कंपनी हो सकता है ऑनलाइन ही, जहाँ पे अलग 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 वेबसाइट्स के माध्यम से पैसा आता है. मे बी
दे हैव डिफरेंट ऑनलाइन प्रोग्राम्स जहाँ पे स्टूडेंट उस प्रोग्राम में एनरोल होते हैं, जस्ट एज एनी टाइप ऑफ ऐप, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है. दे कैन, देर इज़ अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दे कैन बी डॉक्टर, या सन इनके फर्स्ट हाउस में हो सकते हैं, सन इनके 10th हाउस में भी हो सकते हैं. कुछ लोगों के लिए आपके सन जो है 10th हाउस में, 7th हाउस में, 9th या 11th में हो सकता है. आई डू फाइंड लाइक दैट दे आर ऑलवेज बिजी. देखो यहाँ पे है 7 ऑफ शील्ड्स, 10 ऑफ शील्ड्स, ओके, एंड लाइक दैट दे आर वेरी हार्ड वर्किंग. और जो भी इनके मन मुताबिक नहीं चलते हैं, ये फायर कर देते हैं या ये कंप्लेन कर देते हैं हायर अथॉरिटीज़ को कि देखिए मेरे जो जूनियर है वो काम सही तरह से, सही ढंग से तो कर नहीं रहा है, ऊपर से पैसा ले रहा है, मुझे नहीं लगता है इस कंपनी में उस एम्प्लॉय का ज़रूरत है. और अगर ये उनकी खुद की बिजनेस फॉर्म है तो वो तो कभी भी निकल सकते हैं, ठीक है. सो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट. आई डू फाइंड कि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट फास्ट काम करने में ही विश्वास रखते हैं. हर एक चीज़ जैसे उनके मुट्ठी में हो, उनके कब्जे में हो. समटाइम्स दे, यू विल फील लाइक दे आर दिल कैसे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एम्बिशियस होने के कारण के वजह से कुछ लोग इनके साथ हो सकता है मतभेद हो जाता है. आई डू फाइंड लाइक दैट कि ये इंसान बहुत ही फास्ट 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 इनका अप्रोच रहता है. मतलब कोई करे या ना करे, स्टेप ले या ना ले, इनको स्टेप पहले लेना है. सपोज कोई न्यू टेक्नोलॉजी आया है, ठीक है, न्यू अपडेट्स आया है, सो बेसिकली ये पहले होंगे जो उस अपडेट को फॉलो करेंगे, इवन अपने फायदे के लिए और लोगों के फायदे के लिए भी. प्रोफेशनल वाइज इनसे कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता. दे आर हाईली कम्पिटिटिव एंड दे आर वेरी मच टैलेंटेड. कुछ लोगों के लिए इन्होंने जहाँ से शुरुआत किया था, हो सकता है काफ़ी हायर रिस्क और हायर इन्वेस्टमेंट से भी शुरुआत कर सकते हैं. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हुआ था कि इनके पास कुछ पैसा था ही नहीं, बट ज़ीरो लेवल से उन्होंने शुरुआत किया और एक स्टेबल किंगडम, मतलब एक अपने राज्य उन्होंने बना लिया जो काफ़ी स्टेबिलिटी है. खान पान के मामले में काफ़ी ऑर्डिनरी पर्सन की तरह ही होंगे ऑफकोर्स, जो ऑफकोर्स जो उनको सादा खाना, मतलब सिंपल फूड दे लाइक, स्पेशली होम मेड फूड दे लव द मोस्ट. वेजिटेरियन मील कैन बी एन ऑप्शन, बट मे बी दे प्रेफर और दे लाइक नॉन वेजिटेरियन डाइट और दे लाइक वेजिटेरियन डाइट, बट मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी. बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दे ऑलवेज थिंक दैट सबको अपने हक मिलने चाहिए. उनके पॉजिटिव साइड भी बहुत स्ट्रांग है, सबको अपने हक मिलने चाहिए. किसी गलत करते हुए इंसान की जगह पे कोई ऐसे इंसान को कभी भी सज़ा ना मिले जो उस जुर्म को किया ही ना हो. सो वो मेक श्योर करते हैं. इनके हर एक एक प्लानर है इनके पास, ठीक है, आज के दिन में ये एक्टिविटीज़ होगा, कल के दिन में वो होगा. सो हो सकता है इवेंट प्लानर हो, ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट प्लानर हो. लोगों के अपॉइंटमेंट्स जो है वो लेते हैं, फिर ये फॉरवर्ड कर देते हैं अपने स्टाफ को या अपने टीम को, फिर वो लोग मैनेज कर लेते हैं. आज के दिन में ये पार्टी है, कल के दिन में वो पार्टी है. सो मे बी दे आर दैट, दे आर वेरी मच फॉरवर्ड. मतलब क्या है ना, मतलब करके छोड़ना है. अगर इनके सामने हजारों स्टूडेंट्स भी रहेंगे सो ये कभी भी डरेंगे नहीं, ठीक है. स्टूडेंट इनके सामने कैओस तो कभी नहीं करेंगे, ठीक है, कभी भी नहीं करेंगे. इनको पता है कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इनको मिलेगा, बट नॉट फिजिकल पनिशमेंट तो ये किसी को नहीं देंगे, बट जो बोलेंगे जिससे हर एक स्टूडेंट जो है कांप उठेंगे. कहीं ना कहीं पे जस्टिस भी आया है, यहाँ पे जजमेंट भी आया है. सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि दिस इज अ, यू कैन से लाइक दैट ना, बैलेंस्ड रिलेशनशिप जहाँ पे संतुलन होगा. और मुझे दिख रहा है कुछ हद तक ये इंसान आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है. मे बी यू फील द देजा वो. हो सकता है जिस दिन आप मिलो उस दिन आपको लगे कि यस ऑलरेडी आई हैव मेट दिस पर्सन, मुझे कुछ फैमिलियर लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इंसान मेरे फैमिली में ऑलरेडी थे. पता नहीं क्यों ऐसा आपको ऐसा कनेक्शन होगा कि आपको लगेगा ये इंसान तो मेरे पहचान की है, लेकिन आपने उनको कभी भी नहीं देखा होगा इससे पहले. मे बी जब उनको आप फेस टू फेस मिलेंगे तब आपको लगा होगा. कुछ लोगों के लिए इस रिलेशनशिप को आपको बहुत कुछ टॉलरेट करना पड़ेगा. हो सकता है कि इनके पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है. मे बी इनके डिसिप्लिन आपको कभी कभार बहुत ज़्यादा खटके कि नहीं,
आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हो, ठीक है, हो सकता है, नॉट फॉर एवरी वन, बट मुझे इस तरह से दिख रहा है आप उनके साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, आप वहाँ पे आपको लेके जाएंगे, ये पैसों की तो कोई कमी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि दे मे फेस लॉस ड्यू टू एक्सपेंसेस, ठीक है, ये हो सकता है, ये कनेक्शन तभी आपके पास आता हो जब कोई ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, मतलब ब्रेकअप हो गया है लेकिन भारी, जैसा होता है ना, दिमाग भारी हो जा रहा था और आप कुछ सोच नहीं रहे थे, प्यार के मामले में आपको ऐसा लग रहा था ना, अरे मुझे प्यार व्यार करना ही नहीं है, बस जाने दो तो, और नहीं चाहिए, बस बस मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, अकेली काफ़ी हूँ, और मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, एंड देन ओनली दिस पर्सन इज़ कमिंग इन योर लाइफ। अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा हो सकता है आपके ऑलरेडी बच्चे हैं, आप शादीशुदा थे लेकिन डिवोर्स हो गया, सो इस इंसान आपके सारे चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहा है, दे आर नॉट लाइक दैट, अनकंडीशनल लव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जितना वो प्रोफेशनल हो सकता है लेकिन इमोशनल जब ये आपके साथ कनेक्टेड होंगे, देयर विल बी लाइक अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जो सपोर्ट करेगा, मतलब जो भी आपके हालात है वो आपको जब तक सपोर्ट नहीं करेगा तब तक कहाँ का ट्विन फ्लेम और सोलमेट, जो सिचुएशन है एक दूसरे को आप सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, एक दूसरे के कमजोरी पे आप लोग एक दूसरे को मतलब स्ट्रेंथ दे रहे हो, अगर आपका कमजोरी ये है तो उनका स्ट्रेंथ वो है, अगर आपके स्ट्रेंथ ये है तो उनकी कमजोरी वो है, तो एक दूसरे को आप लोग, जो बोला जाता है ना कि डिफेक्ट को कवर अप करना, आप एक दूसरे का डिफेक्ट को भी कवर अप करेंगे, अगर आप बाहर के लोग आप दूसरों को दोनों को पॉइंट आउट करें कि तेरे, अगर सपोज आप मेल है और बोलेंगे तेरे बीबी ने ऐसा कर दिया, तेरे पार्टनर ने ऐसा कर दिया, तो आप उनके फॉल्ट, मतलब आपके पार्टनर आपके फॉल्ट को, मतलब आप अपने पार्टनर के फॉल्ट को, डिफेक्ट जो है उसको कवर अप, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फिर अगर आप फीमेल है आपके पार्टनर मेल है तो आप भी उनके लिए करोगे, बिकॉज दे आर डूइंग इट फॉर यू, सो देर इज एन इक्वल रिलेशनशिप, बैलेंस रिलेशनशिप, यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो चुप रह रहे हैं, वो चुप रहने वाले से इंसान है ही नहीं, और आप भी ऐसे हो सकते हैं, आप भी जस्टिस के लिए बहुत ज़्यादा लड़ते हो, आपके भी अंदर एक रिबेल मुझे दिखाई दे रहा है, एक रिवोल्यूशनरी पर्सन, ओके, सो मेनी ऑफ यू, आपके पर्सन हो सकता है एक राइटर हो, स्क्रिप्ट राइटर हो सकता है, लिरिसिस्ट हो सकता है, कंपोजर हो सकते हैं, आपके पर्सन गवर्नमेंट अथॉरिटीज में होने का बहुत चांसेस है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है मे बी दे स्टार्टेड देयर करियर एट वेरी यंग एज, हो सकता है 22 ईयर्स में उन्होंने अपना करियर को स्टार्ट कर दिया था, उस तरह से वेरी लॉयल हार्ड वर्किंग पर्सन, और आप भी हो सकते हैं कि उनको मिले कुछ जगह पे ऐसे कि हो सकता है ट्रैवल करते हुए या कोई सिटी में आप विजिट कर रहे थे, कुछ रिसर्च आप कर रहे थे, कुछ आविष्कार करने की सोच रहे थे, सेम कलीग हो सकते हैं आप लोग, उस तरह से मुझे दिख रहा है, एनीवे ओके, एचआर पहले आया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट में हो सकते हैं, रिक्रूटिंग ओके, इट्स लाइक स्क्रीनिंग ऑफ जॉब्स एप्लीकेशंस, चेकिंग करना, वेरीफाई करना, ओके, कृपा कृपाल, अभी अभिषेक, नियति, आशुतोष, असीम, ये सर बोल सकते हैं, लोग उनको सर बोल सकते हैं, दे कैन बी अ मैथ्स ट्यूटर, गाइड, कोच, या किसी भी सब्जेक्ट में ट्यूटर हो सकते हैं, ट्यूटोरियल एकेडमी हो सकता है इनका, ओवरसीज, यस, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जीना जीना हो सकता है नाम, पिन, दे आर वेरी कॉन्फिडेंशियल, वेरी सीक्रेटिव, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है, 6 या 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता हैबिट, इनकी आदत बहुत बहुत ही यूनिक है, बहुत यूनिक हैबिट वाले इंसान, निधि नाम हो सकता है किसी का, प्रियंका हो सकता है, पिया हो सकता है, पायल हो सकता है, ओके, हॉर्स आ रहा है, ओके, मे बी दे
इन्वेस्ट इन हॉर्स रेस और समथिंग लाइक दैट। इनको हॉर्स के ऊपर राइडिंग करना बहुत पसंद है। ऑलराइट, बैचलर ऑफ आर्ट्स मे बी। ओके, बीना, अनिरुद्ध, अनीशा, अनिकेत, कायरा, यस, हिना, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मोरक्को। दे विजिट डिफरेंट प्लेसेस, इसलिए इतना नाम हो सकता आ रहा है। ओके, एक्स, इंडिया, ओके, बाकी आप लोग देख लेना। नेशनल हाईवे से ये काफी ट्रेवल करते हैं, नेशनल हाईवे हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।